और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सहस्त्रधारा में हेलीकॉप्टर के उड़ने में परेशानी आ रही है। मौसम खराब है, सहस्त्रधारा में ईंधन में कमी बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया है। बचाव में बारिश भी एक मुसीबत बनी हुई है। अब से कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता मिथिलेश भी ये जानकारी दे रहे थे कि 4 से 5 हेलीकॉप्टर फ्यूल न होने की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, साथ ही मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है। और अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि सहस्त्रधारा में हेलीकॉप्टर के उड़ने में परेशानी आ रही है क्योंकि ईंधन की कमी है। जो तमाम दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। राज्य से लेकर केंद्र तक दावा किया गया था कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, पुरजोर तरीके से राहत बचाव काम चलेगा, लेकिन ऐसे में ये अपडेट वाकई परेशान और हैरान करता है। ईंधन की कमी की वजह से नहीं उड़ पा रहा है हेलीकॉप्टर, साथ ही बारिश ने भी परेशानी बढ़ा दी है। राहत और बचाव कार्य में बारिश भी एक मुसीबत बनी हुई है। अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं, करीब 40,000 लोग ऐसे हैं जो अभी भी मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना चुनौती बना हुआ है सेना के जवानों के लिए। एक बार फिर से मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मिथिलेश, सहस्त्रधारा में कहां फंसा है हेलीकॉप्टर? रत्ना, सहस्त्रधारा में हेलीपैड है जहां 11 चौपर इंतजार कर रहे हैं मौसम के मिजाज का। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिसमें से 5 से 6 चौपर फ्यूल नहीं होने की वजह से उड़ान नहीं भर सकेंगे। अब तक इसके पहले कोई तैयारी नहीं की गई थी। हालांकि अभी से 2 मिनट पहले एक सिविल एविएशन का एक टैंकर पहुंचा है, लेकिन उसमें भी वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल मौसम भी खराब है और मौसम विभाग की माने तो अभी भी पहाड़ों को उस पार बारिश हो रही है, काफी मौसम खराब है, ऐसे में उड़ान भरना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ सहस्त्रधारा हेलीपैड पर जो परिजन है, जो अब तक लापता है या जो लोग अब तक घर नहीं पहुंचे हैं, उनके परिजन अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी तस्वीरें लेकर यहाँ खड़े हैं। उन्हें इंतजार है इस बात का कि कहीं से उन्हें मैसेज मिल सके कि उनके परिजन सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रवैया हैरान करने वाला है। कल रात थोड़ी बारिश जरूर हुई थी, लेकिन बारिश के बावजूद तैयारी नहीं की गई, यहाँ तक कि फ्यूल नहीं होने की वजह से 5 से 6 चौपर उड़ान नहीं भर सकेंगे। हालांकि अभी से एक घंटा पहले एक चौपर ने उड़ान भरी है उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी में 5 महिलाएं काफी क्रिटिकल कंडीशन में है, वहां से उन्हें लेकर आने की कोशिश होगी। लेकिन कुछ चीजें वाकई हैरान करती हैं। एक तो उत्तरकाशी में कुछ लोग फंसे हुए हैं, बद्रीनाथ में अभी भी 8 से 10 हजार यहाँ जो हमें बताया जा रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, वहां तक भी उड़ान नहीं भरा जा रहा है। और यहाँ से थोड़ी दूर जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, वहाँ आर्मी के जवान भी और आर्मी के चौपर भी वहाँ इस बात के इंतजार में है कि मौसम का मिजाज बदले। मिथिलेश, बारिश हुई है समझ में आता है, बारिश पर किसी का जोर नहीं है, बारिश होनी है तो वो होकर रहेगी, लेकिन फ्यूल खत्म हो जाए, फ्यूल की कमी है, ये बात समझ से परे लगती है। जी बिल्कुल रचना, कल भी हमें यहाँ से शिकायत मिली थी, तब भी हमने यहाँ सिविल एविएशन के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी और उन्हें समझाने की कोशिश की थी। कम से कम ऐसे वक्त में जब लोग एक एक पल इंतजार करना लोगों के लिए भारी पड़ रहा है, वैसे में फ्यूल नहीं होना ये बहाना वाकई चकराता है। लेकिन तब भी कुछ जवाब नहीं मिला। आज भी यहाँ सुबह से मैं यहाँ 7:30 पर पहुंच गया था, तब से यहाँ सबसे बातचीत की। 12 चौपर खड़े थे, एक चौपर ने उत्तरकाशी के लिए उड़ान भरी और एक चौपर ने यहाँ रेकी करने के लिए उड़ान भरी कि कहाँ अभी यहाँ से उड़ान भरा जा सकता है। लेकिन 5 से 6 चौपर फ्यूल नहीं होने की वजह से उड़ान नहीं भर सकेंगे, ये वाकई शॉकिंग है, चकराने वाली घटना है। लेकिन यहाँ पर जो परिजन पहुंचे हुए, लोगों के घर वाले पहुंचे हुए, अपने अपने जो उनके घर के लोग फंसे हुए हैं इस उम्मीद में कि यहाँ कुछ खबर मिल जाए, आपके यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रचना, आपके यहाँ कितने लोग फंसे आपके घर के? 7 लोग फंसे हुए हैं और ये 17 तारीख की सुबह एक बार कॉन्टेक्ट हुआ था 6:30 बजे, उसके बाद से कोई पता नहीं, केदारनाथ में फंसे हुए हैं, वहां से अभी तक कोई खबर नहीं है किसी तरह से भी और कहीं पे भी कुछ नहीं दिखाया गया। केदारनाथ में आपकी जब बातचीत हुई, क्या वहां से वो सही सलामत आगे निकल चुके थे? ये बताया था कि हम ठीक हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं, उसके बाद में फिर कोई फोन ही नहीं, फोन सब कॉन्टेक्ट खत्म हो गया है, कहीं भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, उसके बाद से कोई मैसेज नहीं है कि वो ठीक हैं या नहीं है, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, ये कोई पता नहीं लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पूरनपुर पीलीभीत के रहने वाले हैं, इनके परिजन फंसे हुए हैं। अभी एक आप अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे वहाँ सिविल एविएशन के अधिकारियों से, क्या जानकारी मिल सकी थी उनसे? जी, पायलट जो सिविल एविएशन के अधिकारी हैं, उन्होंने हमें कहा कि हम खुद निराश और हताश है इस सरकार के रवैये को देखकर, ये अपने फ्यूल जो एविएशन का फ्यूल है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इतनी ज्यादा बेचैनी है इनके भीतर और हमारे भीतर भी है। ये कह रहे हैं कि ब्राउजर आएगा, वो पेट्रोल भरेगा, फ्यूल भरेगा, लेकिन बिल्कुल भी अभी एक टैंकर आया और इन लोगों को एक स्पेयर में रखना चाहिए, जबकि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और इनकी
सरकार को मैं पूरा दोषी ठहराता हूँ इसलिए करने के लिए। आपके यहाँ से कौन गायब है अब तक, जिससे बातचीत नहीं हो सकी है? जी हाँ, मैं हमारे यहाँ से सोडाला जयपुर से गए हुए लोग बाग हैं, उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई, पिछले 8 दिन हो गए, उन्होंने कहा बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई है, उनका कोई भी हालचाल का पता नहीं है, उनको पानी मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, इसकी कोई भी पूर्ति कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके यहाँ से कितने लोग लापता है? वही हमारे जो 7-8 आदमी है, ये जो अभी तक ना तो कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। केदारनाथ भी हुआ था 15 तारीख को, उसके बाद से कोई नहीं हो पा रही। केदारनाथ में बातचीत हुई थी, उन्हें मालूम चल सका था कि वहाँ से निकल चुके हैं या नहीं निकल चुके हैं? गरुड़ चट्टी पे, उसके बाद से कोई पता नहीं है उनका, ना कोई फोन आ रहा है ना और कुछ। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से पहुंचे? जयपुर से। ये 10 लोगों का ग्रुप था जो 15 तारीख की नाइट में केदारनाथ में था। 16 तारीख को सुबह 8:30 बजे ये लोग चले हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो एविएशन के लोग हैं या जो अधिकारी हैं, उनके पास भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी बस कहानियां हैं, पता ही नहीं लग पा रहा। लोगों की शिकायतें हैं रचना, काफी शिकायतें हैं लोगों की। दरअसल लोग परेशान हैं, अपने संबंधियों से बिछड़ जाने की वजह से उन तक कोई मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि आखिर में कैसे उन्हें सकुशल वापस किया सके। लेकिन यहाँ जो प्रशासन है उसका रवैया हैरान करने वाला है कि फ्यूल की वजह से अगर 5 से 6 चौपर उड़ान न भर सके, वाकई शर्मिंदा करने वाली बात है। शर्मिंदा करती है ये बात और हैरान भी करती है साथ में, क्योंकि तमाम दावे यहाँ पर खोखले साबित हो गए हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे उन लोगों को जो कि हाथ में फोटो लेकर अपनों के आने का इंतजार कर रहे हैं या फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से संपर्क साधा जाए। सीधे सीधे प्रशासन और सरकार को दोषी भी ठहरा रहे हैं कि जो कोशिशें की जानी थी वो कोशिशें नहीं की गई हैं। राहत बचाव कार्य चल जरूर रहा है, लेकिन ढिलाई उसमें साफ तौर पर दिख रही है। 4 से 5 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो फ्यूल न होने की वजह से उड़ान नहीं भर पाए।